गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं क्लास टेंथ का फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ, सब बता दिया हूँ इंट्रोडक्शन में, फिर भी मैं लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया हूँ क्लास टेंथ का यूपी बोर्ड प्रकाश का परावर्तन। पहला हमें परिभाषा जानना है प्रकाश का। प्रकाश वह विकिरण या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह विकिरण या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। इज दैट क्लियर? प्रकाश वह विकिरण या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश के कुछ गुण हैं। प्रकाश किसी भी माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलता है। पहला गुण, प्रकाश सदैव किसी माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की चाल बदल जाती है। अगर माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, माध्यम सघन है तो प्रकाश की चाल कम होगी। और सभी लोग जानते हो कि प्रकाश में परावर्तन का गुण अपवर्तन का गुण, वर्ण विक्षेपण का गुण व्यतिकरण विवर्तन इत्यादि का गुण पाया जाता है। ठीक है ना? प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि का गुण पाया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात करते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई यह चिकना अपारदर्शी तल है, अपारदर्शी तल मतलब जिसके आर पार प्रकाश किरणें नहीं जा सकती, अर्थात हम देख नहीं सकते, तो यदि यह चिकना अपारदर्शी तल है तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण चिकने अपारदर्शी तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है, चिकने अपारदर्शी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को जो कि ये भी है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर यह टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराकर वापस जाने वाली किरण को बीसी को परावर्तित किरण कहते हैं। इट क्लियर? आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो तल के क्या होती है? लंबवत होती है। तल के क्या होती है? लंबवत। उसे अभिलंब कहते हैं। यहाँ फिलहाल अभिलंब BN है। अभिलंब क्या है? BN। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं।
इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। तो परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है भाई साहब। पहला देखिएगा, पहला नियम यही है, छिपा हुआ है, उसको लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम जो है अच्छा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर। अर्थात I बराबर क्या होता है, R। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कल कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे ये दोबारा हेडिंग पढ़ाना पड़ा, ठीक है। हम लेकर आएंगे अगला वीडियो कल। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।